हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे स्मोकी चिकन, जो फटाफट 10 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ पर हमने कुकर लिया है, 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे, एक इलायची, 5 से 7 दाने ब्लैक पेपर के, 2 तोच के टुकड़े, 5 से 7 लौंग, 2 सेकंड कुक होने देंगे, 1 टीस्पून जीरा। यहाँ पर मैंने 2 ऑनियन को चॉप कर लिया है बारीक, उसे ऐड करेंगे। ऑनियन को हमें लाइट पिंक होने तक कुक करना है, ऑनियन का कलर हमें चेंज नहीं करना है। 2 से 3 सेकंड तक हम इसे कुक करेंगे और कंटिन्यूस हलाते रहेंगे। 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, इसे भी 2 सेकंड तक कुक कर लेंगे। 1 टोमेटो ऐड करेंगे, उसे बारीक चॉप कर लिया है, इसे भी हमें 2 सेकंड कुक करना है। 1/4 टीस्पून हल्दी, टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून को मैंने पहले से वॉश कर लिया है, अब चिकन को हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने चिकन 500 ग्राम लिया है। अगर आप चिकन ज़्यादा बना रहे हो तो मसाले की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो। 2 ग्रीन चिली को बारीक चॉप कर लिया है, उसे ऐड करेंगे और 2 से 3 सेकंड कुक करेंगे। चिकन का कलर चेंज होने पर हम मसाले ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, ये देखिए अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। 3 to 4 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने चिकन का मसाला रेडीमेड ऐड किया है, आप चाहे तो घर का भी ऐड कर सकते हो। हमने ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए हैं, बहुत ही कम मसाले में हमने यहाँ पर चिकन बनाया है। हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 300 ml तक पानी ऐड करेंगे। कुकर का ढक्कन बंद करके 2 से 3 सीटी आने तक कुक करेंगे। ये देखिए 2 सीटी आ गई है, अब ढक्कन को हम खोल देंगे। कुकर ठंडा होने के बाद हमें ढक्कन खोलना है। ये देखिए हमारा चिकन रेडी हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा हरा धनिया ऐड करेंगे, इसे अब हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर आप चाहें तो कुकर में भी इसे स्मोकी फ्लेवर दे सकते हो। यहाँ पर 1 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे और ये कॉलसे को हम उसमें घी के ऊपर रखेंगे। बाउल का ढक्कन बंद कर देंगे और ये देखिए हमारा स्मोकी चिकन रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। ये खाने में बहुत ही लजीज लगता है, आपके घर अगर मेहमान आए हो तब भी आप इस तरह का चिकन फटाफट बना सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।